जादम कुल में जन्मियो सुबतनरो सिरताज, समर बोम में सूर में राखी इंद्री लाज, हद लड़ियो सुत इमरो अड़ियो राखण आन, मुड़ियो ना पाछो मड़द सीमा पर सैतान। जदे जोधपुर रो नाम आवे जन याद आवे वे महान सूरवीर जो अपरी आन ने नी लाजन दीनी। इतिहास भी कहवे कि जोधपुर वीर रण में कदे पाचा नहीं हिर गया, हमेशा आगे बढ़ने युद्ध करियो। 18 नवंबर 1962 भारत चीन रे बीच में युद्ध चालू होतो। युद्ध ने शुरू हुयो लगभग महीनों पर होगो तो 18 नवंबर ने चीन री बड़ी सेना रो मुकाबलो हो भारत री 13 कुमाऊ रेजिमेंट री सी कंपनी सु, जिन्हें लीड गन वाला होता मेजर सैतान सिंह भाटी। उन दिन सैतान सिंह रा 120 सैनिक मिलने चीन रे 3000 री सेना ने लारे हिरगने में मजबूर कर दी थी। मेजर सैतान सिंह भाटी रो जन्म 1 दिसंबर 1924 में जोधपुर रे बनासर गांव में हुयो तो। उनारा फादर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी भाटी भी सेना में ही होता। आपरे पिताजी रे लारे लारे सैतान सिंह जी भी जोधपुर री राठौड़ी सेना ने ज्वाइन करी, और पचे जद भारत आजाद होगो जन उन्होंने जोधपुर री राठौड़ी सेना में नू कुमाऊ रेजिमेंट री चार्ली कंपनी जिन्हें सी कंपनी कहवे उन महीने ले लिया। गोवा ने भारत में मिलावण री टाइम भी सैतान सिंह रो काफ़ी योगदान रियो तो। चीन री सेना 20 अक्टूबर 1962 ने लद्दाख में और मैकमोन रेखा रे पार एक साथ हमलों शुरू कर दियो। चीन री सेना दोनों जगह माते भारतीय सेना माते भारी पड़न टूगी। लद्दाख में रेजांग लारे खने त्रिशूल हवाई पट्टी है, उन माते चीन कब्जो करनी चाहती। उन्हें वास्ते रेजांगला पोस्ट माते कब्जो करनो भी जरूरी हो तो। रेजांगला में 18,000 फीट री ऊंचाई माते पहाड़ माते कुमाऊ रेजिमेंट री चार्ली यानी सी कंपनी होती। उन पोस्ट ने ज्वाइन करियो ने एक महीने जो तो 18,000 री ऊंचाई माते टेम्परेचर भी माइनस में होया करे, आप नहीं दियो ने इतनी ठंड पड़ती उठे, और इंडियन आर्मी रखने तो हकरा जैकेट भी नहीं होता। कुमाऊ रेजिमेंट रा 120 जवान रेजांगला पोस्ट ने संभाली ओड़ा उबा था, और उन्होंने खने तो हकरा हथियार भी नहीं होता, सिर्फ 303 राइफल जिन्हें एक बार फायर करने के बाद दोबारा लोड करनी पड़ती। कुमाऊ रेजिमेंट रो कौम तो चीन री सेना ने त्रिशूल हवाई पट्टी तक नहीं पहुंचने देवणी। 18 नवंबर ने सुबह 4 बजे भारतीय इलाके में हमलों कर दियो, हमें कहीं करता। चीन री सेना मन में होती मनसा ले और त्रिशूल लिंक रोड वाया दुगती हूँ ब्लॉक करनी। इंडियन आर्मी री कुमाऊ रेजिमेंट रे खने सिर्फ 120 सैनिक और वे भी पुराना हथियार रे साथ, और उठी ने चाइना रा 3,000 सैनिक जने कैप्टन रे तौर माते मेजर सैतान सिंह इंडियन आर्मी खनु मदद मांगी, पर उठे रोड री सुविधा नहीं होती जने हेल्प मिल भी नहीं सकी। डरती इंडियन गवर्नमेंट कुमाऊ रेजिमेंट ने लारे हटनो ऑर्डर दे दियो, दूजो कहीं हारे भी नहीं होतो। पर थे जानो कि आगे तो जोधपुर रा शेर होता, लारे अड़नो तो कदी सी गया ही कोनी, एक ही दिमाग में होती विजय या फिर वीर गति। जन मेजर सैतान सिंह सिंह जियो दाड़ करने कहो कि जिन्हें जाणो है नी वो जा सके अपर हम यू खुली छूट है, पर मारे शरीर में जद तक खूनरी एक बूंद भी बचेला नी जड़ तक मैं लड़ूला। आपने भी दियोने सब चेला तो बाबा रहता यूं ही कीकर पाचा जावे परा, सब जिना युद्ध करनी तेवड़ ली। सुबह 4 बजे चीनरी सेना अटैक करियो। मेजर सैतान सिंह सबों ने कहो कि अपर खने गोलियों री कमी है, इन वास्ते एक काम कर दो कि पहला नी चाइना री आर्मी ने नेड़ी आवण दीजो और पचा फायर कर दो, और अपरो एक भी फायर खाली नहीं जावणो चाहिए, हर फायर में एक जिने ने तो डिगली करनो ही चाहिए। पहला अटैक चाइना करियो जने कुमाऊ रेजिमेंट रे जवानों रे हाथ री मुंडे माते खावनी पड़ी। चाइना खने सेना ज्यादा होती उन्हों फायदो मिलियो, जने वे दूजो अटैक करियो। दूजो अटैक में भी अपरा 120 शेर भारी पड़िया। हमें होयो यो कि कुमाऊ रेजिमेंट रे खने हथियारों री कमी आवन लागी, इनू कर्ण होले होले एक एक करने जवान सही दौड़ लागा। रियो बलियोड़ा अपोला चाइना रे सैनिकों ने भाटो माते पटक पटक ने मारना शुरू कर दिया।
अटिने मेजर शैतान सिंह आपरे बाकी बचोड़ा जवानों रे खने जा जाने हौसलो बढ़ावता जिते ने एक गोली उन्हारे खवे माते लागी। उन टाइम उन्हारे साथ में खड़ा रामचंद्र यादव एक इंटरव्यू में कहो तो कि मैंने मेजर साहब को बोला कि आपको गोली लगी है। तब शैतान सिंह ने हंसकर बोला कि भाई मेरे ये कोई सिनेमा थोड़ी है, या गोली नहीं तो और क्या लगेगा। शैतान सिंह गोली लागने के बाद भी लड़ता रहा। एकदम उन्होंने माते धुआंधार फायरिंग होगी और शैतान सिंह रे पेट में गोलियां लाग गई। जनवे रामचंद्र यादव ने कहो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा बेल्ट खोल दो। रामचंद्र यादव उन्होंने जैकेट में हाथ घालियो कि उन्होंने ध्यान पड़ियो कि शैतान सिंह रे पेट मैली ओतो वारे आ गई। रामचंद्र यादव बोलिया, आप यहाँ से चलिए, हम नहीं जीत सकते। शैतान सिंह जवाब दियो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम जाओ और सबको बताना कि कुमाऊँ रेजिमेंट कैसे लड़ी थी और जोधपुर का ये शेर आते बाहर आने के बाद भी लड़ता रहा था, ये जाके सबको बता देना। शैतान सा एक मशीन गन लेने आपरे माते बोन दी ताकि चाइनारी सेना माते गोलियों चलती रहे। रात्रि 3 बजे शुरू योड़ो युद्ध सुबह 8 बजे विराम मात आयो। कुमाऊँ रेजिमेंट रा लगभग सब जवान वीरगति होगा। जदे रामचंद्र यादव हेड ऑफिस आने कहो कि 13 कुमाऊँ रेजिमेंट री सी कंपनी चाइना रा चक्का चुड़ा दिया, जने कोई यकीन ही नहीं करियो। उन टाइम रेजांगला माते चाइना रो कब्जो होगो तो 17 नवंबर री रात युद्ध शुरू हो और 20 नवंबर ने चीन युद्ध विराम कर दियो। और एक स्टेटमेंट में बतायो कि मन उम्मीद नहीं होती कि रेजांगला में मोरो इतो नुकसान हो जाई। कुमाऊँ रेजिमेंट्री सी कंपनी रा 120 जवान चीन रा 1310 जवानों ने खत्म कर दिया। घनी ठंड रे कारण उठे बर्फ जम गई और जवानों रा पार्थिव शरीर बर्फ में ही दबगा। उन टाइम तक भी भारत वालों ने यकीन नहीं हुयो कि मेजर शैतान सिंह री टीम इन तरह लड़ी वेला। वो तो 3 महीनों रे बाद बर्फ पिघली जने जाने देखियो तो कोई राइफल लेने बैठा है, कोई रे पगरे महीने मशीन गन लागोड़ी है। सब यूं लागता जने अजे तक युद्ध लड़ रहा है। जन जाने अपन ध्यान पड़ियो कि कुमाऊँ रेजिमेंट काफी वीरता सुन लड़ी और कश्मीर रा 2 टुकड़ा होने सु बचा लियो भारत ने। राजस्थानी कवि एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी कि सुत मरियो इत देश रे हरिख्यो बंधु समाज, मान हरकी जलम दे उतरी हरकी आज। मेजर शैतान सिंह भाटी ने इंडियन गवर्नमेंट परमवीर चक्र सु सम्मानित करने मान बढ़ाया।